मोगा दे पिंड लोहारा नेड़े दो बसां आपस में टकरा गई, जिस तों बाद कई लोग जख्मी हो गए ते तीन लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को हस्पताल दाखिल करवाया गया है। नवजोत सिद्धू की ताजपोशी समागम में जा रही बस पंजाब रोडवेज मोगा डिपो बस नाल टकरा गई ते चश्मदीदा मुताबक तेज रफ्तार कारण यह हादसा वापरिया। ये बस रैली में जा रही सी ते समागम दौरान मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जिहड़ा हादसा होया जी बहुत दुखदाई घटना हादसा होया। यह हादसा तकरीबन 7:25 से 7 बजे मोगा बस चलती 25-30 इतने आ जाती है जी। 7:33 मैं मेरे फादर साहब ने दसिया भी बस का एक्सीडेंट हो गया, भज के जाओ। जो अं आके देखा जी दो बंदे तो डेड बॉडी बाहर पईआं सी, बाकी असी 25-30 बंदे मतलब जिहड़े कढ़े आ बहुत सीरीयस। तो मौके पर अपना ट्रैफिक पुलिस वाले भी आ गए, बाकी सन्यासी हुणी आ गए जी। अद्धे घंटे बाद एंबूलेंस आई है, फिर असी सारे जिन्हें मरीज सके मोगा रैफर करते हैं जी। इस तरह जी मैं ड्यूटी आ रहा पिंडों, मैं दुन्ने के पिंड के कोल सी, क्योंकि मैं अपने जिले च एजुकेशन सैल का इंचार्ज है। तकरीबन आम पिंडां दी पब्लिक नूं मेरा फोन नंबर पता है। जो एक्सीडेंट होया मैनूं एक सज्जन का फोन आया कि बई जी बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ तुसीं आओ। मैं जस्ट 3-4 मिनट च आ गया सी, एक्सीडेंट वेखण वाला नहीं सी। जिहड़े पिंड दे लोक आ बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे सी। मैं उस वक्त ही सन्यासी नूं फोन करता, एंबूलेंस आउणियां शुरू हो गईआं, साडे ट्रैफिक इंचार्ज नूं फोन करता, वह आ गए। पब्लिक ने बहुत सहयोग दिता है, पर एक्सीडेंट इन्ना कु जबरदस्त सी तुसीं वेख नहीं सकदे कि बहुत मन दुखी होया वेख के भी इन्ने क पेशेंट करला रहे थे, तुसीं सोच ही नहीं सकते। मौत तकरीबन जी शायद 2 की होगी है, घट्टो घट 10-12 जने बहुत ज़्यादा जख्मी है जी।